दिस इज माय एडी राजू भटनागर जी, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, हमारे देश में जो प्रॉब्लम है सॉल्व फॉर यू। भाई मेरा गुंडा सर तब के रह नहीं सकता। भाई मेरा गुंडा सर। आज के दिन की शुरुआत हुई पपाया शेक से। मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे साथ कुछ अलग ना हो तो हो ही नहीं सकता। सॉक्सेस में एक सॉक्सेस लाया था, दूसरी लाया नहीं। अब अभी के पास जो छोटी वाली नहीं थी, तो भाभी की सॉक्सेस डाल के जा रहा हूँ। बहुत गुस्से में कि जाप पा जाए तुम। तो मेरा भाई अभी एक मैसेज देना चाहता है। मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सभी अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगाए, और जिसने अभी तक नहीं लगाया वो जितने साल का हो गया उतने पेड़ लगाए। थैंक यू वेरी मच। इतना हो जाए ना तो हमारी दुनिया जो है ना हरी भरी हो जाएगी। चलिए अब बाय बाय करते हैं फाइनली, और बाय बाय, और निकलते हैं हमारे बड़े वाले सफर पे। इसके आगे मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ तक तो मुझे पता था हमारे हैं सारे बैठे हुए हैं, पर आगे भी आप सबका प्यार मिलता रहेगा तो मुझे पता है सफर अच्छा ही चलता रहेगा। तो इस वक्त मैं हूँ दिल्ली की सड़कों पर। दिल्ली की सड़कों पर सुबह सुबह 8 बजे ये हाल है। काफ़ी दूर तक काफ़ी बड़ा जाम लग चुका है और हम कड़े जाम में। चलिए देखते हैं, निकल तो हम जाएंगे ही, हम इन गाड़ियों की तरह नहीं रुके रहेंगे, पर इन्होंने थोड़ी साइड में भी जगह नहीं दी हुई। तो दिल्ली बहुत बड़ा है, दिल्ली को क्रॉस करते करते मुझे 1 घंटा लग जाएगा कम से कम। और पोल्यूशन ना विजिबल है, पता है, दिखता है कि पोल्यूशन है। साइकिल काफी लोग चला रहे हैं यहाँ पे। इस वक्त मैं जा रहा हूँ दिल्ली के कालका जी मंदिर, और इधर ये लोटस टेंपल, और रश देखो, नवरात्रे हैं तो भीड़ पूरी की पूरी हुई पड़ी है। चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे। इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के लोटस टेंपल के बाहर, और साइकिल मैंने लगा, तो ये लिखा हुआ है कि ये जो स्थान है ये सभी धर्मों के लिए है। तो आइए यहाँ पे, ठीक है, और वर्शिप की दी है जिसने बनाया इस सृष्टि को, उसकी जगह काफ़ी बड़ी है दिल्ली के बीचों बीच। और अभी करो ना, अभी करो ना, या मैं क्यों इसमें निकाल के जमा करना है। और इस वक्त मैं हूँ लोटस टेंपल के बाहर, और चलो चलते हैं। एंट्री ये यहीं से अंदर करेंगे, उसके बाद चलते आगे। जो सिंबल मैंने आपको दिखाया ये राइट इन द मिडल ऑफ लोटस टेंपल के बीचों बीच एकदम है। इसमें तीन जो लेवल है, तीन हम रहते हैं, तीन वर्ल्ड है। तो नीचे वाला जो हमारा वर्ल्ड है, मिडल वाला जो प्रोफेट्स एंड और जो मैसेंजर्स हैं उनका वर्ल्ड है, और सबसे जो ऊपर वाला है जो वो गोड्स का वर्ल्ड है। तो जो बीच में एक लाइन है वहाँ से वो गोड्स का मैसेज लेके जो प्रोफेट एंड और वो नीचे आते हैं हमें बताने कि कैसे क्या यहाँ पे करना चाहिए, कि अकॉर्डिंगली दिस इज़ द थ्योरी एंड यहाँ पे हर धर्म का स्वागत है। तो लोटस टेम्पल के अंदर आपको वो मिलेगा जो पूरी दुनिया चाहती है, शांति। अंदर जाओगे तो आपको एक पीस का एहसास होगा, कि शांति का एहसास होगा, कि साइलेंट जो चीज़ है ना उसका एहसास होगा। थोड़ी देर मेरा तो अंदर से निकलने का मन नहीं कर रहा था, मैं अंदर बैठा हुआ था और बस शांति से, मतलब एक एक छोटी से छोटी हल्की से हल्की आवाज़ आपको सुनाई देगी इस लोटस टेंपल के अंदर। आना तो बनता है, ये कुछ अलग है जी। तो लोटस टेंपल में एक और मेरे भाई मिल गए हैं, और हम बंगला से कलकत्ता से, हमारे कलकत्ता से बहुत okay. अच्छा लगा ये यार, और भी आगे बढ़ो तुम। ओए होए कुड़िया शेर दिया, अस जट है पंजाबी, साड़ी अख में करा भी सानू दिल दे बिल्ले, ऐसे जिद ना करो मेरी जान, कुड़िया शेर दिया। ओए होए के कुड़िया शेर दिया, ओए होए के कुड़िया दिल कर दिए निहाल, जदों बंदा हो पंजाब। दिस इज माय एडी राजू भटनागर जी, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, हमारे देश में जो प्रॉब्लम है सॉल्व फॉर यू। ये बीमारियाँ नहीं होनी चाहिए, कोरोना चलेगी, बाकी सारी बीमारी आउट दिस फॉर यू। रिपोर्टिंग दिस ईयर राजू भटनागर, दिस इज माय न्यूज हेडलाइन, बाय बाय। ये मेरे पीछे मेट्रो का आखिरी स्टेशन निकल
निकला है यूपी वाली साइड से, ये है वल्लभगढ़। इस वक्त सीकरी में हूँ, सारी साइकिल को ग्रीसिंग करवाई है और भाई साहब फिर से बोल रहे हैं कोई पैसे नहीं लेने, तो धन्यवाद भाई साहब आपका। पलवल से भाई, और हमारे लायक कोई सेवा हो, कुछ खाना पीना, बस धन्यवाद भाई, धन्यवाद। जमीन बिक जाए चाहे जायदाद बिक जाए, अपनी जबान पे रहते हैं पलवल के लोग, तो अच्छी बात है भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा है और सूरज इस वक्त मेरे पूरे सर पे है, बस लगा वहाँ पर चलाने, दो बैटरी होने का बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं लग रहा जोर, चल रही है बस, अच्छा चल। मैं रुका हूँ तो एक बर्गर करवा लिया और साथ में ये चार्ज, देखते हैं कितना चार्ज करती है, मैं ज़्यादा पीता नहीं हूँ लेकिन आज पीने लगा हूँ यार। बर्गर इनका नॉर्मल था कि लेकिन चाय बहुत ही ज़बरदस्त बनाई, मतलब एक होती ना मतलब ज़बरदस्त, एक होती बहुत ज़बरदस्त, मतलब मन्नत फैमिली ढाबा पलवल में, और निकलते हो तो आगरा जा रहे हो तो चाय ज़रूर पी के जाना, चाय स्वाद है। क्या बोल रहे थे भाई आप? मैं कह रहा हूँ भाई गाँव में यहाँ पे 6-7 किलोमीटर आगे वहाँ रुकते आके यार भाई, हमें भी अच्छा लगता है हमारे भाई आए। थैंक यू, बस आगे मथुरा तक जाना है तो धन्यवाद। पहले मथुरा जाओगे? हाँ, अभी रुका हूँ और यहाँ पे लिखा है निःशुल्क चाय प्रसाद, तो भाई साहब क्यों आप निःशुल्क दे रहे हो? भाई ये गौ माता का प्रसाद है। ओके, जितने भी यात्री कितने भी लोग हो सबके लिए चाय लस्सी फ्री है। ये पीछे हॉस्पिटल है गाँव, तो यहाँ पे गौ माता के जो जो पदार्थ है ना काफी सारी चीजें बनी हुई है उनसे, और ये देखिए बताइए। ओके, ये काउडंग को इस्तेमाल करके ये घड़ी बनाई हुई है, और देखिए है करिए जी, खुशबू बहुत अच्छी है, खुशबू अच्छी है, तो ये मच्छर भी भगा देगी। स्वादिष्ट चाय ये भाई ने बनाई है। माता को जी, हिंदू धर्म में गौ माता को बहुत माना जाता है, तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे गौ माता वो तो पूछते तो हैं बट उतनी केयर नहीं करते, उनको छोड़ देते, खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये इनका एक्सीडेंट होता है या बीमारी होती है तरह तरह की। हमारी जो ये हॉस्पिटल है इसका एक ही काम है, जो बीमार हैं इंजर्ड हैं उनको लेकर आना है, पिक करके लाना है एम्बुलेंस से हमारी ये, और फिर लेकर आकर यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है बाइक का। अच्छा लगता है सुन के, जब कोई बेजुबान बेसहारों की जो आवाज़ सुनता है ना उनका, तो उनके तो सही में बोलते हैं ना भगवान भी आवाज़ सुनता है, तो ये वो कर रहे हैं, ये वो काम कर रहे हैं, तो इनको सपोर्ट कीजिए जितना हो सकता है। तो सपोर्ट करने के कई सारे तरीके, इनको आप दान भी कर सकते हो और इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हो। जो आप एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बोल दीजिए जो जी, हमारे जो मेन कॉन्टैक्ट नंबर है 5 कॉन्टैक्ट नंबर है 999-177-1111, और इसी में 999-177-222-233-334-445-555। मेन काम हमारा पंचगव्य उत्पाद पे करने का है, क्योंकि लोग सिर्फ समझते हैं कि गौ माता सिर्फ दूध देने तक सीमित है, जब वो दूध देती है तब तक उन्हें घर में पालते हैं, फिर उन्हें बाहर दर दर भटकने के लिए रोड पर निकाल देते हैं। तो ये डेवलपर है, जो चीजें आप बाहर देख रहे हो ये इनको बना रहे हैं। सब चीज खाने पीने का देंगे, बस अपने हाथों से आप खिलाएंगे। Okay. तो गोट्स भी बिस्किट से पापे से सब कुछ खाते हैं। क्यूट हो, क्यूट हो। इसकी क्या एक्सीडेंट हुआ है, ज़्यादा ही लग रहा है। अगर आप सिर्फ खिलाना ही चाहते हैं, पैसे भी नहीं है, तो ये खुद ही दे रहे हैं आपको चीज़ें कि खिला दो, कोई बात नहीं। यहाँ पर जानवरों के इलाज के लिए हर फैसिलिटी इनके पास मौजूद है, तो प्लीज़ इन्हें सपोर्ट कीजिए ताजो ये आगे भी ऐसे काम करते रहे। ये लिखा हुआ है 140% वेज। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये ऊपर वाला 40% आया कहाँ से। शहर जो मथुरा में है वहाँ पे एक भाई रोक के अभी वो भी पूछ रहे थे, कार्ड भी ले लिया, सब्सक्राइबर भी बनेंगे, अब हमारे वीडियो में भी आएंगे और वीडियो देखेंगे भी। और भाई बढ़िया भैया, बढ़िया ना, ठीक है, ब्रजनगरी है भैया, इसमें आओ घूमो, खूब मस्त रहो। अजीजपुरा पे भाइयों ने पीछे से आवाज लगाई कि आ जाओ, रुको रुको रुको, तो रुको। हाँ जी, हाँ जी, क्या मिल रहा है टाइट करवा था, मुझे बताया कि कैसे ब्रेकें टाइट करनी है, कैसे कसनी है, तो थैंक यू आपका, धन्यवाद बहुत बहुत है। बड़ा अच्छा सोर्स है, जब प्री वर्कआउट जब भी एक्सरसाइज लगाते हैं उससे पहले खाते हैं, तो मैं ड्यूरिंग द साइकिलिंग भी खाता हूँ, उससे एनर्जी बनी रहती है। मैं पंजाब से, कश्मीर
तो भाइयों ने बताया कि इधर मेला लगा हुआ है, तो हम पता ही है मौके की तलाश में रहते हैं। बस 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 तो हम मोड़ दिया है मेले की तरफ। अब बस आए इधर से निकलते हैं जी, अभी खाते हैं पानी पूरी। कहीं भी जाएंगे पानी पूरी जरूर खाएंगे। हाँ जी भाई साहब, हेलो क्रेजी, हम तुम अभी होने वाला है हमारा फोटो शूट। फिर भाई मिले और अभी एक और फोटो होने वाली है। सभी आए जी, सब्सक्राइब कर दी। हाल है जी, क्या हाल? बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। जय माता दी, जय माता दी। आजो जी, आजो। हाय हाय हाय, ये हुई ना बात। भैया भैया आजो 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 सारे ले ले। भाई मेरा गुंडा सर तबके रह नहीं सकता। मजा, ये है मजा। आपको भी कहाँ देख लिया? YouTube पे देखा है। देखा है, चलो अच्छी। तो मैंने ये सींग लगा लिया सर पे, कोई दूर से दिख जाऊं मैं। अभी मैं दूर से दिखूं। आज रात को फिलहाल ये खा रहा हूँ, साथ में बैटरी चार्ज कर रहा हूँ, साथ में मज़े ले रहा हूँ आज कोल्ड ड्रिंक। मतलब सफ़र में मैं कुछ भी खाता हूँ। तो अभी मैं निकल ही रहा था तो भाई साहब बाहर ही बैठे हुए थे, तो आवाज़ लगाई इन्होंने मुझे वैसे पूछने के लिए। और अभी हम इनके यहाँ पे रूम ले रहे हैं और सबसे सस्ता रूम इन्होंने लगाया हमें। प्रेम मंदिर बिल्कुल साथ में है यहाँ से। तो अभी रात को खुला होगा कोई मंदिर? रात को 8:30 बजे क्लोज हो जाता है। 8:30, तो अभी 9:15 हो गया, तो अभी तो कुछ नहीं। सुबह हम जाएंगे, सुबह सुबह सारे मंदिर के दर्शन करके उसके बाद हम जाएंगे मथुरा, मथुरा के दर्शन करके उसके बाद हम जाएंगे आगरा। तो भाई साहब का भी एक चैनल है और वृंदावन की जो वीडियोज है वो डालते हैं, और अपने चैनल का नाम बता दीजिए भाई साहब। मेरे चैनल का नाम है चूजरबेक, CHOOSERVIC, चूजरबेक। बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे मंदिर की वीडियो और मेरे चैनल पे हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। वृंदावन में ये है मेरा आज का रूम, रूम मिल गया मुझे सस्ते में, लोगों को इन्होंने महंगा दिया मुझे दिया। बस 153 किलोमीटर किया है मैंने, और बस अभी हम करेंगे रेस्ट। मिलते हैं फिर अपने अगले सफर पे, तब तक के लिए आप पेड़ लगाएं ताकि आपको हमें अच्छी सांस आए। सायोनारा, बाय बाय।